2022 में भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से हम सफाया करने का काम करेंगे। आज के कार्यकर्ता सम्मेलन में हमको आपको ये संकल्प लेकर के जाना है। याद है आपको 2012 से लेकर 17 तक क्या नहीं दिया था मैंने आपके क्षेत्र को? 16,93,00,000 की सड़कें हमने एमएलसी साहब फरमाया 16,93,00,000। आईटी कॉलेज दिया, पॉलिटेक्निक कॉलेज दिया, अग्निशमन केंद्र दिया, 220 का पावर हाउस, 33 एमबीए के दर्जनों पावर हाउस, बिजली इतनी शानदार आपको दिया हमने, पूरी तरीके से आपको हमने गारंटी भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी दलाली से मुक्ति दिलाने का काम किया। बता दो किया कि नहीं किया बताइए। और 17 के बाद क्या लागू मार गया हमारे क्षेत्र के विकास को? आज किसान के हाल है, नौजवान रो रहा है, किसान का दिन में सो पा रहा है, रात में सो पा रहा है, आवारा पशु किसानों की फसलों को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। हमारे अखिलेश यादव जी ने आपको फ्री में पानी देने का काम किया था। कन्या बेरोजगारी भत्ता लाइट लोहिया कहां तक हम विकास की शिक्षा करेंगे? सब खत्म हो गया, सब समाप्त हो गया। आज तो क्या है, कब्रिस्तान पाकिस्तान, कब्रिस्तान पाकिस्तान, इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं। भाई को भाई से लड़ा दो, हिंदू मुसलमान को लड़ा दो, अब नोटबंदी की चर्चा नहीं करते, दो करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे चर्चा बंद दे, जीएसटी की चर्चा बंद दे। अब रोज नया नया फार्मूला ले आते हैं, जमीन दे दो, रास्ता लेके हम क्या करेंगे, रास्ता लेके हम क्या करेंगे। इसलिए मैं अपने मेहमान को सुनना चाहता था, हम नहीं, हमको तो आप रोज सुनते हैं। मैं हाथ जोड़कर एक ही निवेदन करना चाहता हूं, संघर्ष का वक्त है। मुझे 4 दिन रायबरेली की पुलिस ने जेल में बंद कर दिया, तो हमारे क्षेत्र का नौजवान अंगड़ाई नहीं ले पाया, मुझे अफसोस है इस बात का। मैं जब जेल में बंद था मुझे उम्मीद थी कि महाराजगंज की तहसील में पैर रखना उमड़ेगा और तिल डालने की जगह नहीं मिलेगी। रामलाल अकेला को जेल में डाल दिया, धोखे से डाल दिया। और मैं जिला प्रशासन को बताना चाहता हूं, तुम्हारी औकात है परोपकारी में, मुगल पे है वरना तुम्हारी हैसियत नहीं है कि अखिलेश यादव के सिपाही को तुम एक दिन तुम जेल में रखने की जरूरत कर सको। हम उत्तर प्रदेश की गाय बहने की जेलों में भरने के लिए तैयार हैं, हम अखिलेश यादव जी को गति सौंपने के लिए तैयार है और इसके लिए सर पे कफन बांध के निकल चुके हैं, निकल चुके हैं। अरे साथ है लेकिन एक जालिम सरकार के खिलाफ आपको आवाज बुलंद करने निश्चित रूप से मैं अपने संगठन के माननीय एमएलसी साहब, जैसा संगठन विधानसभा बछरावा में माननीय अंबे जी के नेतृत्व में बना है, ऐसा संगठन हम 12 बंकी को कहेंगे तो नहीं, लेकिन हो सकता है कि ऐसा संगठन 12 बंकी में भी न हो। एक ही कार्यकर्ता किराए पर नहीं बुलाया गया, बता दो आप लोग किसी को किराए पर बुलाया गया है क्या? आज पुलिस गुंडागर्दी करके सड़कों पर लोगों को मौत के घाट उतारने का काम कर रही है, इसमें बड़ा नाजुक वक्त है देश का। और ऐसे में मैं बधाई देना चाहता हूं अपने उत्तर प्रदेश के रहवर समाजवादी पार्टी के नेता अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को। गंग में चर्चा हुई कि उत्तर तक